दंडवत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा कौ प्रभु नानक दे कर हथ ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास याही कुल ते प्रगट होए ताही कुल को नाम पुन द्वादस गुरिंद कौ मेरी है प्रणाम। परम सत्कार जोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जीओ अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे सी। इतिहास इथों तक पहुंचा है कि माता गंगा जी ने सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे विच बेनती की कि सच्चे पातशाह आपां रामदासपुरे चले जाइए। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने कि पृथिया बड़ा कपटी है, वह बड़ा छलिया है, उहदे तों ते सगों दूर रहना चाहीदा है, उहदे लागे नहीं जाना चाहीदा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इस तरह आख्या। कल इथों तक कथा पहुंची सी, अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। यों कह श्री गुर तूषण कीन विचारत नार स्वभाव सो त्रासा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने कि इस तरह का वचन करके फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी चुप कर गए ते मन ही मन सतगुरां ने विचारिया कि औरत दा सुभाव हुंदा है कि वो बहुत छेती डर जांदी है। सोचत है सुत धार स्नेह को जानत है नहि बल रासा। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी विचारदे ने कि अपने पुत्र दे नाल मोह होण दे कारण उस दे बारे बहुत ही ज्यादा चिंतित रहिंदी है। जानत है ना यह बलरासा, पर इस गंगा नू इस गल दा नहीं पता कि इहदा जिहड़ा पुत्र हरगोबिंद है ना उह ते सारियां ताकतां दी खाण। तीरज छोर डरा कल बोलत बाक सुने अस होत उदासा। सतगुरां ने विचारिया कि तीरज नू इसने छड़ दिता है ते डरी हुई हुण बोलदी है केस पिंड नूं छड के सुधा सर चले जाइए। इस तरह जदों सतगुरां ने ना कर दिते ते उसदा मन उदास हो गया। माता गंगा चाहत है पुर मैं बस बे कहो पास शरीकण केर आवासा। सतगुरां ने विचारिया है कि गंगा चाहुंदी है कि मैं अपने पिंड दे विच अपने शरीके बरादरी दे विच वसा। अपना जरा नगर हुंदा है वो अपना ही हुंदा है, बेगाना नगर बेगाना हुंदा है। ये सोचदी है कि प्राय पिंड आए हुए इस करके बहुते ज्यादा उपद्रव हो रहे ने, जेकर अपने पिंड हुंदे ते सारे सहायता करदे कोई भी ऐसा विघन ना हुंदा। यों चित में चितवंत दयानिद हेत प्रसन्न के बैन कहे। कवि जी कहिंदे ने कि दया दे कर जिहड़े सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने उन्हां ने इस तरह दी सोच सोची है ते फिर गंगा माता जी नूं प्रसंग करन दे वास्ते
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਸਰ ਕੇਤਕ ਬਾਸ ਕਰੋ ਇਤ ਫੇਰ ਕਰੈ ਚਿਤ ਤੋਰ ਚਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਗੰਗਾ, ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਇਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਕੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਲਕ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੋ ਨਿਤ ਹੋਏ ਵਿਸਾਲ ਆਨੰਦ ਲਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੋ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੰਗ ਨਿਸ਼ਰੋਣ ਸੁਣੀ ਹਰਖੀ ਔਰ ਛੋੜ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਬਾਸ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾ ਬਿਦ ਬੋਲਤ ਬੂਜਤ ਕੋ ਨਿਸ ਜਾਮ ਗਈ ਕਰ ਖਾਣ ਆਹਾਰਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ। ਫੇਰ ਜਥਾ ਸੁਖ ਸੋ ਸੁਪਤੇ ਉੱਠ ਪ੍ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜਲ ਮੱਜਣ ਤਾਰਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਤ ਕੁਲਾਲਤ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਤ ਭੂਖਣ ਕਾਲਤ ਸ਼ੌਕ ਉਦਾਰਾ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਡ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਚੀਰ ਸਰੀਰ ਵਿਖੇ ਪਹਿਰਾਵਤ ਹੀ ਹਰ ਖਾਵਤ ਭਾਰਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਸਣ ਭੈਣ ਪਰੋਸ ਤਰ ਅੱਠ ਜਾਮ ਰਖੈ ਨਿਜ ਨੈਣ ਅਗਾਰੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਕੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋਵਤ ਹੱਥ ਲਗਾਇ ਕੈ ਨੰਦਨ ਔਚਕ ਜਾਗ ਉੱਠੇ ਡਰ ਤਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫੇਰ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੀਤ ਸਨੇਹ ਅਛੇਹ ਨਵੋ ਹੋਏ ਡੀਲ ਵਿਸਾਲ ਬ੍ਰਦੈ ਬਲ ਪਾਰੀ। ਭਾਵ ਕੇ ਨਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਡੀਲ ਵਿਸਾਲ ਬ੍ਰਦੈ ਬਲ ਪਾਰੀ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੁੰਦਰ ਸੂਰਤ ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ ਨਿਜ ਕੋਚਰ ਲੈ ਕਰ ਵੈ ਬਲ ਹਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਤਕ ਦਿਓਸ ਬਤੀਤ ਗਏ ਜਬ ਏਕ ਨਿਸਾ ਪਰ ਕੇ ਸਭ ਸੋਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੇਵ ਮਿਲੇ ਸਮਦਾਇ ਤਬੈ ਸਭ ਆਵਣ ਕੀਨ ਪ੍ਰਮੋਦਤ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ।
श्री हर गोविंद जान तिनो कहो, छोर प्रियंक उठे सब जोए। जदों देवते पहुंचे ते कवि जी लिखते ने कि श्री हर गोविंद जी ने उन्हां दा आउणा जान के अपने पलंग नूं छड्डिया है और उठ के बह गए। द्वै कर बंद करें अभिबंधन, दुख निकंदन तीर खरोए। जेड़े हर गोविंद जी मानो के दुखां नूं ते पापां नूं कट्टण वाले ने, ऐसे हर गोविंद जी दे लागे आण के सारे देवते नमस्कारां करदे ने हथ जोड़ जोड़ के। नारद सारद पारद से तन, श्री ब्रह्मा मगवा जुत आए। नारद जी आए ने, इस तो इलावा शारदा देवी आई है। पारद से तन मानो के जिन्ना दे शरीर पारे दे वर्गे ने। ब्रह्मा जी आए ने, इस तो इलावा मगवा इंद्र पहुंचा है। ये सारे देवते आए ने। आठ बसु अर रुद्र एकादश, पावक अगर मिले समुदाये। इस तो इलावा वसु देवता आया है, जेड़ा के अठ गुणा दा देवता है, वो पहुंचे है। महाभारत दे विच लिखिया होया है कि जेड़े अठ गुण ने ना देवते दे, वो इस तरह ने तार त्रोव सोम विशन अनिल अनल प्रत्यूष अते प्रवास। महाभारत दे विच इस तरह लिखिया है कि इस तरह दे गुणा वाला जेड़ा देवता है ओनू वसु आख्या जांदा है। इस तो इलावा भागवत दे अनुसार इन्हां दी जिहड़ी तरतीब है और उन्हां दे जिहड़े नां ने ओह कुछ वखरे ने। भागवत दे अनुसार द्रोण प्राण त्रोव अर्क अगन दोष वास्तव अते विवास, ये नां लिखे होए ने, अठ गुण लिखे होए ने। इस तो इलावा जेकर अगन प्राण दे अनुसार देखा जावे तो उन्हां ने लिखिया है कि आप त्रोव सोम तर अनिल अनल प्रत्यूष ते प्रवास, उन्होंने इस तरीके दे नाल लिखा है। मेरा सिर कहण तो पावे है कि महाभारत दे विच कुछ वक्री तरह लिखा है, इस तो इलावा भागवत दे अनुसार कुछ वक्रा लिखा है और अगन पुराण दे विच किसी होर तरह लिखा है। पर सारी गल कहण तो पावे है कि अठ गुणा दा जिहड़ा देवता है ना उन्नू आख्या जांदा है वसु। कवि जी कहिंदे ने अठ गुणा दा देवता वसु आया है। इस तो इलावा रुद्र एकादश, आम तौर ते रुद्र आख्या जांदा है शिव जी भगवान नूं, और रुद्र भी पुराणा दे अनुसार 11 मन्ने गए ने। उसे गल दा जिक्र कीता है कि रुद्र एकादश, एक ते 10 भाव के 11 जिहड़े रुद्र ने ना ओह आए ने। पुराणा दे अनुसार आज एक पाद अही वर्तन पिनाकी अपराजित और तरयंबक महेश्वर विष्णा कपि शंभु हरण अते ईश्वर, ए रुद्र दे 11 स्वरूप ने। पावक अगर मिले समुदाय, ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहिंदे ने इस तरीके दे नाल नारद जी आए ने, शारदा देवी आई है, ब्रह्मा जी आए ने, इंद्र देवता आया है, अठ गुणा दा मालक देवता आया है, एकादश रुद्र आए ने और इस तो इलावा अग्नि देवता भी नाल। और कहां तिन की गिनती होए, देखण को अवतार सुहाए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने कि मैं देवत्यां दी होर किन्नी कु गिनती दा लिख के बयान करां, भाव के अवतार दा सोहना दर्शन करन दे वास्ते सारे पहुंचे ने। 64 जोगन वीर बवंजन, द्वै कर जोर तसीस निवाए। कवि जी लिखते ने कि 64 जोगनिया आईया ने। इस तो इलावा 52 जिहड़े वीर मन्ने गए ने ओ आए ने। जोगनिया उन्हां नूं आख्या जांदा है कि जिहड़ियां रणभूमि दे विच लहू पींदियां ने और मांस दा आहार खांदियां ने। ओह जोगनिया दी गिणती 64 लिखी हुई है, 64 जोगनिया आईया ने। इस तो इलावा जिहड़े 52 वीर मन्ने गए ने ओह भी आए ने। सारे दे सारे हथ जोड़ जोड़ के नमस्कारां कर रहे ने। नाशन को तुर कान समूह, शरीर तरयो तुम अंतर जामी। सारिया ने हथ जोड़ के हर गोविंद जी दे चरणा दे विच बेनती कीती है कि
समूह तुरकां दा तुसीं नाश करन वाले हो, शरीर नूं धारण करके हे अंतर जामे तुसीं आए। सेवक संतन को प्रतिपारन, जो सत नाम जप नित स्वामी। कहिंदे ने कि सेवकां दी और संतां दी तुसीं प्रतिपालना करन वाले हो, जिहड़े परमेश्वर दे सच्चे नाम दा जाप करदे ने, उन्हां दे तुसीं मालक बणदे हो, स्वामी बणदे हो। लोक अनेक उदारन को चित, देन बबेक पाए पथ गामी। देवते कहिंदे ने कि अनेकां ही लोकां दा उदार करन दे वास्ते और उन्हां दे चित दे विच ज्ञान देन दे वास्ते मानो कि तुसीं स्वरूप नूं धारण करके आए हो। सूर महापुज पूरन श्री गुर, शतरन चूरन को नित कामी। कहिंदे ने कि तुसीं बहुत वड्डे सूरमे हो और मानो कि तुसीं परिपूर्ण गुरु हो, शत्रुआं दा मार के चूरन बना देन वाले हो, यही तुहाडा कम है। ज्यों होया यस रावर की हम, काज करें तिम द्यो फुर माए। देवत्या ने हाथ जोड़ के हरगोबिंद जी दे चरणा दे विच बेनती कीती है कि जिवें तुहाडी आग्या होवे ओ आग्या सानू दिओ, असी उसे तरीके दे नाल करांगे जिस तरह तुसी फरमान करोगे। चौसठ जोगन कीन बिन, बड़ भूख हम नहीं पाए आहारा। जेड़िया 64 जोगनिया ने उन्होंने हाथ जोड़ के बेनती कीती कि सानू बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई है, बड़े चिरां तो असी मानो के हार नहीं खादा। वीर बवंजन बाक कहें, हम चाहत हैं बड जुद अखारा। जेड़े 52 वीर ने उन्होंने आख्या है कि असी मानो के बहुत वड्डा युद्ध अखाड़ा वेखना चाहुंदे आ, क्योंकि जोगनिया दी और जेड़े वीर ने इन्हां दी भुख तां ही मिटेगी जेकर वड्डा युद्ध होवेगा घमसान दा, जिहदे विच लाशां विछणगियां, खून दी होली खेडी जाएगी, तां ही मानो के जोगनिया दी प्यास बुझेगी, तां ही उह रज्जणगे। इस तरह दोवां तरफां ने अर्ज कीती है, एक पासे 52 वीरां ने ते दूसरे पासे 64 जोगनिया ने। नारद आदक प्रार्थना कर, ब्रिंद मलेश बलीन संगारा। इस तो इलावा नारद वर्गे जेड़े देवते ने उन्होंने प्रार्थना कीती है, ब्रिंद मलेश बलीन संगारा, के बहुत सारे जेड़े ताकत वाले मलेश ने ना उन्हां दा संगार करो, उन्हां नूं मार दे। रावर क्रुद्धत जोद करो एम, चाहत देवन को गन सारा। नारद जी कहिंदे ने कि क्रोध दे नाल तुसी वड्डा युद्ध करो, सारे दे सारे जिन्ने भी देवते ने यही मंग करदे ने कि युद्ध करके मलेच्छां दा नाश करो। श्री हर गोविंद देत आनंद को, देवन ब्रिंदन सो कही बानी। उस वेले श्री हर गोविंद जी ने सारिया नू आनंद देन दे वास्ते देवत्या नू इस तरह हुक्म कीता। किंद ने वीर सवै तुम तार, शरीर को धीरज सो विचरो तर आनी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने 52 वीरां नू हुक्म कीता कि तुसी सारे दे सारे शरीर नू धारण करके इस धरती दे उत्ते आण के विचरो। नारद को दिखराओ महारण, मार मलेश करो कम सानी। नारद मुनि जी नू आख्या है कि मैं बहुत वड्डा रण करके, वड्डा भयानक युद्ध करके मलेच्छां नू उस रण भूमि दे विच मार देंगा, इस तरह तुहानू मैं युद्ध भी करके विखावांगा। पीवो श्रोणत 64 जोगन, ले हो डकार महा त्रिपताने। इस तो बाद श्री हरगोबिंद जी ने 64 जोगनिया नू आख्या, जदों मैं लहू डोलांगा रण भूमि दे विच, उस वेले तुहाडी प्यास भी बुझेगी और जेड़ा मास होवेगा लाशां दा ओ खा के तुसी डकार मारियो, मैं उस वेले तुहानू चंगे तरीके दे नाल
तृप्त करांगा जोगनिया नु आके। जोद कमांड प्रचांड रचो सेवा ले हो बिलांद ही मुंडन माला। श्री हरगोबिंद जी ने आख्या है कि मैं कमांड दे नाल बड़ा वड्डा प्रचंड युद्ध रचांगा। शिव जी नू कहिंदे ने कि ले हो बिलंद ही मुंडन माला। उस वेले मनुखां दे कट्टे हुए सिरां दीआं जिहड़ीआं माला ने भावे जिन्नियां मर्जी बना लिओ, इह शिव जी नू आख्या क्योंकि मन्निआ जांदा कि शिव जी कट्टे हुए सिरां दी माला पहिणदा। हरगोबिंद जी ने आख्या कि इन्ने सिर वड्डांगा भावे जिन्नियां मर्जी माला बना के अपने गल दे विच धारण करिओ। काली कपाल परो अपनो पल श्रोणत संग उमंग बिसाला। इस तो इलावा काली देवी नू आख्या कि तू भी उस वेले खून दे नाल खप्पर भर भर के पीवी। इस तो इलावा लहू ते मास दा तेनू उस वेले आहार मिलेगा। जो सब देवन के मन पावत सो कर हो बल धार कराला। श्री हरगोबिंद जी ने सारे देवतियां नू आख्या कि जिद्दां दी तुहाडी मंग है उसे तरह दी मंग मैं जरूर पूरी करांगा। मैं वड्डे बल नू धारण करके भयानक युद्ध लड़ांगा। पर श्री हरगोबिंद जी ने नाल ए भी वचन कीता है कि अजे कुछ देरी है। कहिंदे ने लालत मात को दियो आनंद सो बालक यार बलाए सकाला। कहिंदे ने कि देखो मेरी हुण बालकां वाली उमर है, मेरी मां मेरे नाल बड़ा प्यार करदी है, ओ मैनू लाड लड़ाउंदी है, इस करके हुण बालकां वाली उमर दे विच मैं अपनी मां नू खुशियां प्रदान करांगा, आनंद देवांगा, पर समां आउण ते जो तुसीं कहिंदे हो इह वी जरूर करांगा। जो सुर के और होए मनोरथ आए शरीर तरो तर मैं। उस वेले श्री हरगोबिंद जी ने आख्या तुसी जिन्ने भी देवते हो तुहाडे मन दे विच जेड़ा जेड़ा भी मनोरथ है ओ मनोरथ जरूर पूरा होवेगा, पर पहला तुसी मेरी एक गल मनो, शरीर तरो धर्म है, सारे दे सारे तुसी इस मातलोक दे विच आण के शरीरां नू धारण करो, मनुख बनो। मोह संग सैन बन रण मैं बलवंत मलेशन संगर मैं। कहिंदे ने सारे दे सारे इस मातलोक दे विच शरीर नू धारण करके आओ ते फिर मेरी सेना दे विच मेरे नाल होके वड्डा रण करो, मलेशां दा आपां सारे दे सारे संघार करांगे रणभूमि दे विच। आयद केर प्रहार करो उत्साहत हवै करके बर मैं। कहिंदे ने के शस्त्रां दा प्रहार करो मेरे नाल उत्साह दे नाल मिलो, आपां सारे रल के मानो के तुरकां दा नाश करांगे। फेर पयान करें सुर लोक सुधार के काज बसें कर मैं। कहिंदे ने के फेर तुसी पयान कर जियो चले जायो अपने अपने लोकां दे विच सारे कार्ज नू सुधार के। तन गुरु सब देव मनोरथ पूरन को करता हर खावत। जदों श्री हरगोबिंद जी ने इस तरह दे वचन कीते ते उस वेले सारियां देवतियां ने हाथ जोड़ के आख्या कि तन हो तुसी गुरु जी, तुसी मानो के साडे मन दे मनोरथ नू पूरा कीता है। शांत की पांच शरीर धरे सत नाम स्नेह मैं सेवक लावत। कहिंदे ने कि इस तों पहला जिहड़े तुहाडे सरूप ने ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰੂਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਮਾਨਵ ਕੀਨ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋਰਨ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਉਮਗੈ ਗੁਣ ਗਾਵਤ। ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨੇ।
पंच स्वरूप अनूप तरे अब पंथ प्रकाश करो रिप कावत। कहिंदे ने कि पंज स्वरूप तुसी शांतमई रखे ने और छेवां जिहड़ा स्वरूप है ना इहदे विच मानो कि रुकुआं नूं मारन दे वास्ते तुसी वखरे स्वरूप नूं धारण करना है। आपां सारे जाणदे हां कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी तों लै के सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी तक किसे भी गुरु साहिब ने हथियार नूं धारण नहीं कीता, किसे नूं हथियार दे नाल नहीं मारिया। नाम दा उपदेश दिता है और गद्दी ला के बैठदे रहे ने और नाम ही जपदे रहे ने। पर छेवें सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने माला नूं भी फड़िया और तलवार नूं भी फड़िया, इसे करके उन्हां नूं मीरी ते पीरी दे मालक आख्या जांदा है। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी अपने पवित्र उपदेश दे विच कहिंदे ने कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दी इह चाह सी जिहड़ा पीरता नूं जाण के आउंदा है ओह पीरी नूं जाण के आवे ते जिहड़ा पीरी नूं किसे गुरियाई नूं नहीं मंनदा ओह अमीरत नूं जाण के आवे। इसे करके उन्हां ने इस तरह दे स्वरूप नूं धारण कीता। मेरा सिर्फ कहण तों पावे है कि देवते कहिंदे ने कि तुसीं पंज स्वरूप शांतमई रखे ने ते छेवें दे विच तुसीं वैरियां दा नाश करोगे। दोख निकंदन को कर बंदन आनंद कंद बिलंद कराई। कवि जी लिखदे ने कि जेड़े हरगोबिंद जी दोखां नूं कट्टण वाले ने उन्हां नूं नमस्कार करके आनंद दे नाल फिर उन्हां देवतियां सारिया ने जाण दी तैयारी कीती। जान लगे जब गंग बिलोचत नींद को त्यागत ही बिकसाए। सारे दे सारे क्योंकि सुते हुए सन जदों कहिंदे ने जान लगे ने उस वेले अचानक ही माता गंगा जी दी अख खुल गई है, उन्हां ने नींद नूं त्यागया ते वेख के बहुत ही ज्यादा वह हैरान होए। गौनत की अवलोकत पीठ अचंब भई और त्रास को पाए। माता गंगा ने चंगे तरीके दे नाल देवतियां नूं देखिया ते नहीं पर कहिंदे ने कि जांदियां जांदियां उन्हां दी जिहड़ी पिठ सी ना वह सारियां दी दिखाई दित्ती। उस वेले देख के बड़ी चकरत हुई है, अचंबे दे विच फस गई है ते बहुत ज्यादा डरी। ब्रेंदे चोर गए भज कै ममा नंदन को लेवन आए। बहुते सारिया नूं जदों मुड़दा जांदा देखिया ते उस वेले माता गंगा जी ने मन दे विच विचार कीती है कि बहुत ज्यादा ये चोर आए सी जेड़े कि मेरे पुत्र नूं मानो के फड़न दे वास्ते आए सी। चार विभूखण हीरन के जुत ले अब जात के कौन छुटाए। हुण गंगा माता ने सोचा है कि चोर आए सन जिन्हां ने मेरे पुत्र नूं फड़ के लै जाना सी क्योंकि मेरे पुत्र दे गल दे विच बड़े सोहने गहने पाए हुए ने, इस तों इलावा हीरे विच लगे हुए ने, इस करके इन्हां चोरां ने मेरे पुत्र नूं चुक के लै जाना सी, कौन छुटाए ते जे चुक के लै जांदे चोर ते फिर मेरे पुत्र नूं कौन छुड़ाउंदा। सेवक नी सुपतीज समीप पुकार के उच समूह जगाई। जड़िया दासियां लागे सुतियां हुईयां सन उन्हां नूं पुकार के उच्ची सारी आवाज मार के सारियां नूं माता गंगा ने जगा दिता। कहिंदे ने क्यों ना बिलोकत हो उठ के गण चोरन आण के दीन दिखाई। माता गंगा जी कहिंदे ने कि तुसी सारियां उठ के क्यों नहीं चंगे तरीके दे नाल वेखदियां, बहुत सारे चोरां ने मैनू दिखाई दित्ती है, मैं चोरां नूं मुड़दा जांदा देखिया। श्री हर गोविंद मोहित दूर होते अब मैं गहलीन उठाई। माता गंगा जी कहिंदे ने कि श्री हर गोविंद जी मेरे तो दूर सन, मैं उन्हां नूं जाके हुण फड़ लिया है, गहलीन उठाई और मैं फड़ के अपनी गोदी दे विच उठा लिया, पर मैं चोरां नूं इस दे लागो मुड़दा देखे। देखत मेरे सो अंगन बीच ते जागती जान गए सो पलाए। कहिंदे ने माता गंगा जी कि मैं जागदी सां, मेरी अखां दे सामने देखदे देखदियां ओह वेहड़े दे विचों बाहर निकल के दौड़ गए। दासी उठी तत्काल फिरी चहो कोद महेरत ना दर साए। दासियां उठियां ने छेती दे नाल काली दे नाल इधर उधर दौड़ियां ने पर कहिंदे ने हेरत ना दरसाए, चंगे तरीके दे नाल
ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਸਨ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾ ਜਿਤਨੀ ਸੋ ਹੁਤੀ ਸਭ ਜਾਗਤ ਮਾਤ ਨੇ ਜਾਮ ਬਿਤਾਏ। ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਬੋਲਤ ਬਾਤਨ ਕੋ ਬਤਰਾਵਤ ਤ੍ਰਾਸਤ ਨੀਂਦ ਗਈ ਕਿਸ ਥਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ। ਤ੍ਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ। ਚਿੰਤਤ ਚਿੱਤ ਮਹਾ ਚਿਤ ਮੈਂ ਸੁੱਤ ਕੋ ਬਿਗਨਾ ਸੋ ਕਛੂ ਹੋਏ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਤਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ। ਪੋਰ ਪਈ ਸਭ ਜਾਗਤ ਹੀ ਅਨੁਰਾਗਤ ਤਾਤ ਕੋ ਮਾਤ ਦੁਲਾਰ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾੜ ਲੜਾਉਂਦਿਆਂ ਲੜਾਉਂਦਿਆਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰ ਆਏ ਜਬੈ ਨਿਜ ਧਾਮ ਜਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਵ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਏ। ਪੀਰ ਪਾਇਆ ਕੁਲ ਭੂਰ ਪਾਈ ਭਗਵੰਤ ਸੁਕੰਤ ਕੇ ਆਈ ਅਗਾਰੇ। ਭੈ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਥ ਕੋ ਜੋਰ ਨਿਹੋਰਤ ਹੈ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਤ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸ ਵਿਚਾਰੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਾਮ ਨੀ ਮੈਂ ਜਬ ਜਾਗਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੰਕਟ ਹੋਤ ਮਹਾ ਪੈਦਾਏ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਾਗਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਭਿਆਨਕ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ। ਚੋਰ ਹੁਤੇ ਸਮਧਾਏ ਸੋਏ ਅੰਗਣ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਲੇਨ ਕੋ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਤ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸਨ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਆਂਖ ਗਈ ਖੁੱਲ ਮੇਰੀ ਤਬੈ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਤ੍ਰਾਸ ਕੋ ਦੇਖ ਪਲਾਏ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਡਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਦੌੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਤੂਰਨ ਨੰਦਨ ਲੀਨ ਸ ਦਾਸੀ ਜਗਾਈ ਬਿਲੋਕਣ ਚੋਰਨ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਔਰ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧਾਏ ਗਈ ਸਗਰੀ ਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਤਿਸਨੇ ਬਹੁ ਬੋਲ ਦਈ ਸੁਧ ਹੋਰਨ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਸੀਆਂ ਦੌੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਰੌਰ ਪਰਿਓ ਸੁਣ ਦੌੜ ਗਏ ਤਬ ਦਾਸ ਫਿਰੇ ਕਰਕੇ ਚਹੂ ਕੋਰਨ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਣਾ ਕੋਣਾ ਫੋਲਿਆ ਪਰ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਪੁਰ ਕੋ ਇਸ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋ ਬਾਸ ਕਰੋ ਅਬ ਛੋਰਨ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਇਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੀਏ
ते दूसरे पिंड दे विच भाव के रामदास पुरे जो कि अपनी पुरातन नगरी है उहदे विच रह जाइए। कल इतिहास दे विच इसे तरह का बचन आया सी कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि गंगा जिथे भी जाइए भावी साथ नहीं छड़दी, भावी नूं भोगना पैंदा भावे जगह कोई भी होवे, भावी टरे नहीं को कित जाए। सतगुरां ने आख्या सी भावी नहीं टलदी, भावे कोई किते भी चला जावे, इस करके इत्थे ही रहना ठीक है। पर माता गंगा जी दा इस गल दे उत्ते दिल ठहरदा नहीं है, ओह चाहुंदे ने कि इस नगर नूं छड़ देना चाहीदा है जिथे इन्ने ज्यादा उपद्रव हो रहे ने। हुण माता गंगा ने फिर गल कीती है कि उहना चलो अपने पुरखो सच्चे पातशाह इदों चंगा ते है कि अपनी नगरी रामदासपुरे नूं असीं चले जाइए, इस पिंड चों रहना छड़ दईए। होत महायुत पाते हां सुख बास तहां पुर रूर जहां। माता गंगा जी कहिंदे ने कि इत्थे रहण दे नाल ते रोज ही उपद्रव पैदा हुंदे ने, संकट पैदा हुंदे ने, उस पुरी रामदासपुरे दे विच जाके रहिए जिथे के सुखां दी रास। मोहे को त्रास विशाल हृदय विपरीत ही नीत पई असहां। माता गंगा जी कहिंदे ने कि मेरे मन दे विच बहुत वड्डा डर है क्योंकि रोज प्रतिदिन कोई ना कोई विपरीत ही गल हुंदी है। नीत पई असहां कहण तों पावे है कि ऐसियां नित ही उल्ट रीतियां रोज हुंदियां ने। श्री हर गोबिंद नंदन मेरो जो होए बिलंद तो पैना कहां। माता गंगा जी सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नूं कहिंदे ने कि जे मेरा पुत्र हर गोबिंद वड्डा हुंदा तां किते भी रहण दे विच मैनूं कोई दिक्कत नहीं सी, पर ये छोटा है मैनूं बड़ा डर लगदा। चिंत लहां इस गाम रहां कर जोर कहां कर मोर चहां। जेकर इस पिंड दे विच रहांगी ते चिंता दे विच गलतान रहांगी, इस करके सच्चे पातशाह मैं हथ जोड़ के बेनती करदी हां कि सच्चे पातशाह मेरी इच्छा नूं तुसीं पूरियां करो, इस पिंड नूं छड्डो ते अमृतसर चलो। श्री गुर गंग के बाक सुने मुस्कावत तीर के बाक कह। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने गंगा जी दीआं बेनतीआं नूं सुणिआ ते मुस्कुरा के धीरे देण दे वास्ते सतगुरां ने इंज हुक्म कीता। कहिंदे ने तेरो कहियो हम मान चलें पुर बीच आवास के बास चह। कहिंदे ने हे गंगा तेरे कहे नूं मन के असीं चले जावांगे, पर मेरा ते जी करदा है कि इसे ही पुरी दे विच वसे रही। तो सुत को नहीं त्रास किसू थल श्री परमेश्वर रक्षक है। सतगुरु जी कहिंदे ने मैं चला जावांगा तेरे आखे लाके, पर मेरा इरादा है कि इस पिंड दे विच ही रहना चाहिदा है। जिहड़ी तू अपने पुत्र दी गल करदे आ मैनूं डर लगदा है कि मेरे पुत्र नूं कोई नुकसान ना पहुंचावे, ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने तो सुत को नहीं त्रास किसू थल, तेरे पुत्र नूं किसी भी किस्म दा किसी भी जगह दे उत्ते कोई त्रास नहीं है। ओह भावे वडाली दे विच रवे ते भावे अमृतसर दे विच रवे ओहनूं कोई खतरा नहीं है। कहिंदे ने श्री परमेश्वर रक्षक है क्योंकि परमेश्वर आप स्वयं तेरे पुत्र दी रक्षा करदे ने, इस करके ओह किते भी जावे ओहनूं ते कोई खतरा नहीं। पोर को प्यान करे नगरी निज ले सगरी वस्तु जे है। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने कि हर गोबिंद नूं कोई खतरा नहीं है, पर जेकर तू डरदी है ते चल तेरी गल मैं मन लैंदा हां, सवेर होण दे नाल ही असीं इस नगरी नूं छड्डांगे ते अपने पिंड रामदासपुरे नूं चले जावांगे। कहिंदे ने गंगा तू अपनी चीजां नूं सांभ लै। इस प्रकार कह श्री गुरु त्यारी सकल कराए सदन समाज संवारियो दास लगे समुदाय। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने इस तरीके दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कह के तैयारी करन दा हुक्म दे दिता है, सारे दे सारे उत्थों जाण दी तैयारी करन लगे ने। साधन समाज संवारियो दास लगे समुदाय, बहुते सारे
दास ते दासियां नूं ला के घर दा जिहड़ा साजो समान सी ना उस नूं इक जगह दे उत्ते एकत्र कर दिता गया। इस जगह दे उत्ते कवि जी अपने इस अध्याय की समाप्ति करके नवे अध्याय का प्रारंभ करते हैं। जब श्री अर्जुन चलन को कहियो सबन के मां, दासी दास समूह जे हरखत की न उमाह। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जदों सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने यह हुक्म किया है कि वडाली नूं छड़ना है ते अमृतसर चलना है, उस वेले कवि जी लिखते ने कि दासां ते दासियां नूं बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि दासियां ते दास भी उत्थे रहना नहीं सन चाहुंदे, ओह भी अपने पिंड दे विच वापस जाना चाहुंदे सन। हुण दासी ते दासां नूं खुशी हुई है और सारिआं ने तैयारी कर ली है जाण दी। चारे असवारी करी सारी तब त्यारी, तह हीर नर नारी कोयो छा पयो मन में। सोहणियां सवारियां तैयार कर लिया गई ने, सारी तैयारी नूं मुकम्मल कर लिया गया है। इस्त्रियां ते पुरश सारे दे सारे प्रमोद दे विच खुशी दे विच भरे होए ने। सयंदन बहाल यार सकटे समाज परे, दास करे कार्य कोला दियान तिन में। रथ तैयार किया गया, बैलां तैयार कीतियां गईयां ने, इस तों इलावा गड्डे जिहड़े ने उन्हां दे विच समान नूं रख के गड्डियां नूं तैयार किया गया। दास करे कार्य को लादी आण तिन में, दास इस तरह का कम कर रहे ने कि घर दियां चीजां नूं लिया लिया के गड्डियां दे विच रखी जांदे ने। बड़ो बर टोहे थार दीर्ग कराहे लेने और सब बसन संभारे तिस छिन में। कवि जी लिखते ने कि वड्डे वलटोए ते वड्डियां वड्डियां थालियां ते वड्डे वड्डे जिहड़े कड़ाहे सी ना ओह भी मानो के नाल ही लद लै गए, इस तरह दे भांडे लदे गए। बसन के पार पूर तर कर पूरन को, ब्रिख बक जोर कीन तूरन गमन में। इस तों इलावा गड्डियां दे विच बहुत सोहणे सोहणे जिहड़े कीमती वस्त्र सन उहनां नूं रख लिया गया है, गड्डियां नूं पूरे तरीके दे नाल भर लिया गया है और फिर गड्डियां दे अगे मानो कि जिहड़े बौल्द ने ना उहनां नूं जोड़ दित्ता गया, इस तरह तैयारी कीती। सुंदर सुरंग सजे उस अंदन पे जरीदार, उरद उतंग दै कलश चामी करके। इस तों इलावा बहुत ही सोहणा रंगदार जिहड़ा रथ है उस नूं तैयार कीता है, जरीदार कपड़े उत्ते विछाए गए ने। इस तों इलावा उरद उतंग दै कलश चामी करके, बड़े उच्चे ते वड्डे जिहड़े दो गुंबद ने ना जिन्हां दे उत्ते सोना लग्या है ओह उच्चे कीते होए ने। चंचल तुरंग बल संग पर अंग, जिन घुंगरू कमकत सजाए बीच गरके। ओ जिहड़ा सोहणा रथ शिंगारिया गया है उस रथ नूं चलाउण दे वास्ते खिंचण दे वास्ते बड़े चंचल सोहणे घोड़े जोए गए ने, जिन्हां दे अंग मानो के बड़ी ताकत दे नाल भरे होए ने। घुंगरू कमंकत सजाए बीच गरमे, उन्हां घोड़ियां दे गलां दे विच घुंगरू पाए गए ने, जदों चलदे ने ते ओह घुंगरू फिर खड़कदे ने। श्री हर गोबिंद नंद ले उछंग गंग, आनंद बिलंद कर बैठी बीच बरके। ऐसा सोहना रथ सजाया गया। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि माता गंगा जी ने अपनी गोदी दे विच हर गोबिंद जी नूं चुकिया है ते बड़े ही आनंद नूं खुशी नूं धारण करदे होए रथ दे विच बह गए। पालकी अरूड पए गुरु गुण गूढ़ महा, पंथ प्रस्थाने हर खाने पुर जान को। रथ दे विच अपने पुत्र नूं नाल लै के माता गंगा जी बैठे ने, दूसरे पासे एक पालकी दे विच असवारी कीती है सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने, जिहड़े गुरु के गूढ़ गुणा दे मालक ने, इस तरह प्रस्थान कीता है, इस तरह चले ने खुशी दे नाल। नंद मुख चंद देख गमन सुमंद मंद, दासी दास ब्रिंद सिख संगतां महान को। हुण सारिआं ने चाले पा दिते ने, अपने पुत्र दा जिहड़ा मुखड़ा चंद्रमा वर्गा है उस नूं देख देख के माता गंगा जी खुश हो रहे ने। इस तों इलावा
ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਥ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਾਸੀਆਂ ਦਾਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ। ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ ਮਜਾਇ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਏ, ਬਾਦਤ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਵਾਏ ਹਰ ਖਾਣ ਕੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਤ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਵਾਏ ਹਰ ਖਾਣ ਕੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ ਗਏ। ਦੁੰਦ ਬਲਪ ਸੰਖ ਸ਼ੋਰ ਨਫੀਰ ਗਾਣ, ਬਾਜਤ ਮਿਰਦੰਗ ਸੁਰ ਬਾਬੀ ਕਰ ਗਾਣ ਕੋ। ਛੋਟੇ ਤੌਂਸੇ ਵਜਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਫੀਰੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਰਦੰਗ ਤੇ ਰਬਾਬ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਮਿਰਦੰਗ ਤੇ ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਬਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ। ਰਹੇ ਤੀਨ ਸੰਮਤ ਵਡਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਗਰੇ ਸਮਾਜ ਸਾਜ ਕੇ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਵਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਡਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਡਾਲੀ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਵਡਾਲੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਵਡਾਲੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਵਰੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਾਗਰੇ ਸਮਾਜ ਸਾਜ ਪੂਰੀ ਨਿਜ ਆਏ ਗਏ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲੋਕ ਸਮਦਾਏ ਗੋਰ ਆਗਮ ਕੋ ਸੁਣ ਪਾਏ, ਭਏ ਕਥਾ ਸਭ ਹੀ ਕੇ ਮੋਦ ਛਾਏਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਏ ਅਗਵਾਏ ਤਾਏ ਮਿਲੇ ਚਿੱਤ ਚਾਏ ਚਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਗਾਏ ਗਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਮਗਾਏ ਕਹਿ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗਲ ਵਾਂਡੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਚਾ ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ। ਭੇਟ ਅਰ ਪਾਏ ਅਰਦਾਸਨ ਸੁਣਾਏ ਕਰ, ਸੀਸ ਕੋ ਨਿਵਾਏ ਕਰ ਗੁਰੂ ਪੱਗ ਲਾਗਵੇ। ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਦੇਤ ਹੈ ਬਧਾਈ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸੁਹਾਈ, ਬਸੋ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਸਮੇਤ ਨਿਤ ਦਰਸ ਕੋ ਦੀਜੀਐ। ਸਾਰੇ ਆਣ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸੁਹਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਇਹੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਲੇਕਰ ਸਿਦਾਰ ਸੰਗ ਸਾਧਨ ਸੁਰੰਗ ਜਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਹੇ ਹਾਂ ਸੁਖ ਸੋ ਬਸੀ ਜੀਐ। ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਹੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਸੋ ਬਸੀ ਜੀਐ, ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੰਦ ਹੇਰ ਉਛੰਗ ਗੰਗ, ਸਯੰਦਨ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸੋਨਾਰੀ ਕਹੇ ਜੀ ਜੀਐ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਸੋ ਨਾਰੀ ਕਹੇ ਜੀਜੀਐ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਦਾ ਮੋਹ ਕੀਜੀਐ ਸੋ ਨਗਰੀ ਥਰੀ ਜੀਐ, ਉਪਾਇਨ ਘੋਲੀ ਜੀਐ ਹਮਾਰੀ ਪੈ ਪ੍ਰਸੀ ਜੀਐ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸੀਜੇ ਰਹੋ। ਸਾਧਨ ਸਮਾਜ ਕੋ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਤਾਰ ਕਰ, ਪਿਤਾ ਕੇ ਸਥਾਨ ਪੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਮਨ ਕੀਨ।
ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि घर का जिन्ना भी साजो समान से उस नूं लिया के घर दे विच संभाल के उतार दिता गया है, रख दिता गया है। पिता के स्थान पुण गुरु ने गमन कीन। फिर सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी अपने पिता की जगह दे उत्ते पहुंचे ने। कहन तो भाव है कि श्री हरिमंदर गए ने। चरण नगन कर गंगले उछंग नंद गमनी है संग बहुतम प्रसाद लीन। नंगे चरणा दे नाल फिर माता गंगा जी भी अपने पुत्र नू नाल लेके सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे नाल गए ने मत्था टेकन दे वास्ते। हरि मंदिर दे विच बहुत उत्तम जिहड़ा प्रसाद है ना वो लिया गया। गए तब हाथ बंद बंधन करी है तहां अर्ज गुजार के प्रसाद को बरताए दीन। जाके हाथ जोड़ के सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने नमस्कार कीती है। इस तों इलावा अर्ज गुजारी है। कहण तों भाव है कि अरदास कीती है ते अरदास करन तों बाद फिर प्रसाद नूं वरता दिता गया। फिर परिक्रमा तीन अद कै अधीन होए कुछ कै असीन पुण बंधत सो मन दीन। इस तों इलावा परिक्रमा कीतियां गए ने हरि मंदिर दियां बहुत ही दीनता दे नाल बड़ी आजजी दे नाल। कुछ का सीन पुन बंधत सो मन दीन। थोड़ा चिर उथे बैठे रह फिर थोड़ा चिर बैठन तो बाद नमस्कार करके उठ पै। तैसी बेद गंग सोत संगल करत पई पूज गुरु थान को सदन पुन आए कै। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जेड़े तरीके दे नाल सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने किया उसे ही तरीके दे नाल माता गंगा जी ने भी जाके नमस्कार कीती है, प्रदक्षिणा कीतियां ने और पूजिया है मानो के सतगुरां दे चरणां नूं मना के। फिर थोड़ा चिर बैठन तों बाद उत्थों उठ के आ गए। इस तरीके दे नाल उस वेले सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी अमृतसर आए। केड़े तरीके दे नाल अमृतसर आए इस नूं कवि करतार सिंह जी क्लास वाले अपने वखरे ढंग दे नाल बयान करदे ने। जिस तरह कवि करतार सिंह जी ने बयान कीता है मैं वो साध संगत दे सन्मुख पेश करांगा। बाबे बुड्ढे ते पाई गुरदास जिहां फेर जोर पाया बहुती वार आए। चलो बरकतां लाओ रामदास पुरे कहिया संगतां पी बार बार आए। माता गंगा भी होए उदास गई माता गंगा भी होए उदास गई। घर काट दे ताई विसार आए सतगुरु कवाहती प्रिथिये तो चंगा लांबे ही रहना विचार आए। जद संगतां ने मजबूर कीता जद संगतां ने मजबूर कीता सुदा सरनू हो त्यार आए। तुरन लगिया पिंड दे चल सारे पास गुरु जी दे नर नार आए। जदों सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी वडाली तो तुरन लगे ते करतार सिंह जी क्लास वाले लिखदे ने कि उत्थों दे रहण वाले पिंड वासी सतगुरां दे कोल आए ने और उन्होंने आण के सतगुरां दे चरणां दे विच इस तरह अर्ज कीती। साथों की अवग्या होए गई साथों की अवग्या होए गई सेवा करांगे हर प्रकार आए। इथे वसो ए सब कुछ आपदा है लोक विच वैराग दे पार आए। दित्ती तीरज सतगुरां सारियां नूं दित्ती तीरज सतगुरां सारियां नूं वाहे गुरु कै हो असवार आए। श्री हर गोबिंद लै मात गंगा चढ़ पाल की खुशियां तार आए। दासां दासियां संगतां भीड़ बहुती दासां दासियां संगतां भीड़ बहुती चल अमृत सर दातार आए। सब साज समान संभाल करके फेर कर इशनान दरबार आए। फुल पेट प्रसाद ते साहिब जादे सने
फुल भेट प्रसाद ते साहेब जादे सने गुरु जी करन दीदार आए। नमस्कार कर पिता स्थान अंदर करी सारी प्रदक्षिणा बाहर आए। करतार सिंह जी क्लास वाले ने इस तरह बयान किया है कि नमस्कार करके अपने पिता दी जगह दे उते भाव के नमस्कार कीती है, जाके हरि मंदिर दे विच फिर प्रदक्षिणा कीतियां ने ते फिर बाहर आए, फिर उथों उठ के चले आए, अपने घर दे विच पहुंच गए। जगत मर्याद हित बहुरो बिचारे और जेठो है सहोदर समीप मिले जाएगा। इस तों बाद ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने दुनिया दी मर्यादा नूं कायम रखण दे वास्ते अपने मन दे नाल इह विचार कीती है, जेठो है सहोदर समीप मिले जाएगा, कि भावे पृथ्वी किस तरह दा भी है पर फिर भी साडा वड्डा भरा है। इस करके सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने विचारिया कि दुनिया दी मर्यादा नूं रखण दे वास्ते सानू चाहिदा है कि अपने वड्डे भरा नूं वी जाके मिलिए। इस तरह दी सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने विचार कीती है केड़े तरीके दे नाल सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी पृथ्वी चंद नूं जाके मिलणगे, जिस तरह कवि जी अगे बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। समय दी समाप्ति है, कल नूं जिस तरह कवि जी बयान करनगे मैं उसे तरह अर्ज करांगा। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तों खिमा दा जाच। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूर्ण हे सर्व मैं दुख पंजन गुण तास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी हो वनहार, हे संत कै सदा संग ने धाराया धार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दी जय नाम दान राखो ही है परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।